हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं गियर मोटर के बारे में। गियर मोटर क्या होता है, क्या वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर मैकेनिकल डिवाइस है, और इसका क्या काम है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में गियर मोटर एक कॉम्बिनेशन है गियर बॉक्स और एक मोटर का, जो कि एक साथ कंबाइन फिक्स होता है और बहुत ही पोर्टेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, जैसे दूसरी जगह पे होता है गियर बॉक्स और मोटर को अलग से कपलिंग के द्वारा अलाइनमेंट करके फिट किया जाता है, ऐसा यहाँ पर नहीं किया जाता। यहाँ पर मोटर को डायरेक्ट गियर बॉक्स के इनपुट में फिट कर दिया जाता है। एक की वे होती है जिसमें मोटर का जो शाफ्ट है वो जा करके फंस जाता है की के साथ में, और कंबाइंड जो है आपका गियर बॉक्स का आउटपुट निकलता है सीधा। तो ये जो है अलाइनमेंट में टाइम बचाता है, प्लस ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होने की वजह से कम जगह घेरता है, प्लस मोटर का और गियर बॉक्स का अलग से बेस नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ एक सिंगल कॉमन बेस बनाना पड़ता है गियर बॉक्स के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है गियर मोटर का, कि वहाँ पर अलाइनमेंट में टाइम वेस्ट नहीं होता है, प्लस ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत ही कम जगह में आ जाता है। मोटर के साथ में एक गियर बॉक्स फिक्स्ड होता है। गियर बॉक्स का काम होता है कि मोटर की स्पीड को कम कर देना, मोटर की स्पीड को रिड्यूस कर देता है, और स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर वो टॉर्क को बढ़ा देता है। और किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, लोड बियर करने के लिए टॉर्क का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डायरेक्ट मोटर को नहीं यूज़ कर सकते कहीं पर, और हम साथ में उसके साथ गियर बॉक्स यूज़ करते हैं। गियर मोटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और ये उसका डिफरेंस हो सकता है उसके साथ में जो गियर बॉक्स जो फिट होता है उसके टाइप के हिसाब से। कहीं पे वॉर्म एंड व्हील टाइप ऑफ गियर बॉक्स फिट होता है, कहीं पे प्लेनेटरी गियर बॉक्स फिट होता है, और ये उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट किया जाता है। कहीं पे सिंगल स्टेज रिडक्शन होता है, कहीं पे मल्टी स्टेज रिडक्शन होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।